आर यू थाई? गणपति बब्बा मोरिया। भाई लोग भी भाई साहब थाईलैंड में ना हमारे गणपति बब्बा की पूजा करते हैं भाई। क्या खूबसूरत है, क्या बड़ा सा मंदिर यहाँ पे गणेश जी का। और यहाँ पे चूहे भी है भाई। ये कुछ बोल रहे हैं। ओए ओए ओए, यहाँ पे कुछ थाई लोग भी आते हैं इस तरीके से ना सारे मंदिरों के बाहर। तो जी हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल राम राम जी, कैसे सर भाई? मैं तो बहुत बड़ी हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे हो। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो मेरा नाम है विकास और ना मैं ट्रैवल वीडियोस बनाते रहता हूँ। लास्ट कुछ दिन से मैं थाईलैंड में था, आज मेरा थाईलैंड में 10वां 12वां दिन है। हम लोग ना थाईलैंड के उत्तराखंड में गए थे भाई, लिटरली थाईलैंड का उत्तराखंड भाई। थाईलैंड का इकलौता हिल स्टेशन चिंग मई में ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक गाँव पड़ता है जिसको मई कैंपांग बोलते हैं। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और आज ना मैं आपको चिंग मई से फुकेट और कराबी लेके जाने वाला हूँ। ये जो हमारा सफ़र है ना काफ़ी लंबा होने वाला है, तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 घंटे का हमारा सफ़र होने वाला है। मई कैंपांग आने का जो रास्ता था ना भाई बहुत खूबसूरत था। आधे टाइम तो मैंने आपको रास्ता नहीं दिखाया था, लेकिन अब जाते वक्त मैंने सोचा कि आपको थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ। जैसा अपना उत्तराखंड का कोई भी नॉर्मल सा एक गाँव होता है ना, टिपिकल गाँव जो उत्तराखंड का होता है, वैसा ही यहाँ का एक फेमस हिल स्टेशन और फेमस गाँव था। वैसे नो डाउट गाँव बहुत प्यारा था भाई जी। मई कैंपांग से ना हम लोग वापस चिंग मई आ चुके हैं भाई साहब। ये बोलने के लिए मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है ना, बार बार भूल जा रहा हूँ कि कैसे बोलना है, नाम भूल जा रहा हूँ दोनों जगह के। एक मई कैंपांग क्या था, मई कैंपांग हम लोग गए हुए थे भाई साहब। थाईलैंड का जो सबसे ब्यूटीफुल विलेज है ना वो देखने के लिए, काफ़ी सुंदर विलेज था और काफ़ी अच्छी लोकेशन थी भाई। और विलेज के अंदर ही ना काफ़ी कुछ था देखने के लिए। अभी हम लोग ना चांग माई वापस आ चुके हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ भाई, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन इस जगह पे ना मुझे सारे ना यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब लड़के लड़कियां टीनेजर मोस्टली, और सबके हाथों में फूल है। अब ये कोई ऐसी डेस्टिनेशन हो सकती है जहां पे लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं? ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है भाई, इस वाले ब्रिज पे सारे ना ऐसे ही है कपल्स मेरे को दिख रहे हैं। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई सीन क्या है यहाँ पे। लाइन से ना एंड तक भाई फूलों की दुकान है। और क्यों है मेरे को अभी वैसे पता नहीं है, या तो यहाँ पे ना कुछ ना इनका कोई बुद्धिस्ट मंदिर वंदिर होगा आसपास में, इस चक्कर में इन्होंने इतनी सारी दुकानें खोली हुई हैं। क्योंकि भाई ये दुकानें तो वो कपल वाले फूलों की दुकानें तो है नहीं, यहाँ पे वो वाले फूल भी हैं। तो चलो उस ब्रिज पे ही चलते हैं, देखते हैं यार क्या सीन है। लोगों से पूछेंगे भाई क्या सीन है यहाँ पे, क्यों मतलब यहाँ पे क्या ये आइकॉनिक स्पॉट है क्या जहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, ऐसा पूछे क्या? और ये मेरे बगल में रिवर देख रहे हो, ये पिंग रिवर है। इस रिवर में ना भाई बोटिंग वगैरह भी हो रही है, मतलब नारियल पानी वानी सब कुछ अंदर ही बोट पे बिक रहा है। यहाँ की काफी बड़ी रिवर है भाई, पिंग रिवर इसको बोलते हैं। दिख रहा सामने आपको साई पिंग लिखा हुआ है, ये वाला PING पिंग। ये देखो भाई जैसे ये भाई भी यहाँ पे बैठे फूल लेके फोटोज वोटोज खींच रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सबका यही चल रहा भाई, सारे लोग ना फूल वूल लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। क्या सीन है, कोई मतलब ट्रेडिशन तो नहीं यहाँ पे लोग फूल वूल लेके आते हैं? ऐसा कुछ है तो हम भी ले लेते हैं यार। ये देखो भाई लोग यहाँ पे ऐसे फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इधर भी भाई इस तरफ, यहाँ तो एक ही है, इस तरफ तो भाई साहब सारे लोग मतलब मुझे लग रहा है ऐसी फूल लेके ही आ रखे। मैं आपको ना नीचे ब्रिज पे लेके चलता हूँ जहाँ पे सारे लोग खड़े हैं ना। और ये क्यों खड़े हैं पता नहीं भाई, या तो ये लोग ना बस ऐसी नॉर्मली फोटो वोटो खिंचाने खड़े हैं, या तो इस जगह का भाई कोई ना कोई मतलब तो होगा जो कि इतने सारे लोग यहाँ पे इस तरीके से भाई फूल वूल लेके ना आ रखे हैं यहाँ पे फोटोग्राफी वोटोग्राफी करने के लिए। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये सारे लोगों का यही सही चल रहा है यहाँ पे, सारे लोग मतलब फूल वूल लेके फोटोग्राफी वोटोग्राफी करवा रहे हैं। बढ़िया सीन है। लगा भाई ये लोग ना राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यार राफ्टिंग नहीं है भाई, ये ना किसी टाइप का कोई रेस वगैरह कर रहे हैं। ये लोकल लोग होंगे जैसे नाव वाव पकड़ के सारे लोग मिलकर रेस कर रहे हैं। देखो भाई बाइक की रेस देखी थी, कार की रेस देखी थी, आज पहली बार भाई मैं बोट की रेस देख रहा हूँ इस तरीके से। देख रहे हो ये लोग पीछे रह गए। क्या बात है, थाईलैंड में भाई ये सब भी होता है मुझे नहीं पता था। थक गए भाई ये लोग तो थक गए, वो आगे निकल गए बहुत तेजी में भाग रहे हो। और भाई जो वो लोग फूल लेके घूम रहे थे ना, मुझे लग रहा है इसी मार्केट से लेके आए हैं। यहाँ देखो भाई फूलों की मार्केट लगी हुई है पूरे में। अरे वाह टेम्पल क्या खूबसूरत सा लग रहा है यार, चाइनीज टेम्पल है ये, लेकिन अभी शायद ये बंद हो रखा है। तो भाई अभी जहाँ फ्लाईओवर पे थे ना वहाँ पे हमने ना मैप में डाला कि इंडियन रेस्टोरेंट नियर भाई, तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट दिखा रहे थे, तो किसी एक रेस्टोरेंट पे हम ढूंढते ढांढते चलते हैं भाई। ऐसे देखो रोड के किनारे क्या बढ़िया सा सेटअप लगा रखा है इन्होंने, काफ़ी कुछ अलग देखने को मिल रहा है थाईलैंड में मेरे को ना इंडिया से। यही तो फ़ायदा होता है भाई ट्रैवलिंग का, आपको मतलब कुछ बहुत कुछ ना अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं।
तो भाई अभी ना हम बस स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे हमको एक मंदिर दिखा छोटा सा, मैंने कहा चलो आपको दिखाते हुए चलते हैं मंदिर। वैसे तो मंदिर शायद ना बंद हो चुका है। यहाँ पे देखो भाई लोगों के ना पूजा करने का स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ना मंदिर के आगे मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। ये सामने मंदिर है, मंदिर शायद अब क्लोज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सारे लोग अभी भी आ रहे हैं पूजा वगैरह करने के लिए। तो भाई गूगल मैप में ना जितनी लोकेशन पे इंडियन फूड स्टॉल्स दिखा रहा था ना, तीन दिखा रहा था, तीन में से दो तो बंद थे। एक बंदा कह रहा कि भाई हम ना इंडियन फूड अब सेल नहीं करते हैं। चलो वापस चल रहे हैं उसी पुल के पास में, वहां से हमको टुक टुक मिल जाएगा चेंग माई बस टर्मिनल के लिए, फिर वहां से अपन लोग निकल जाएंगे बैंकॉक के लिए। आने का तो कोई जुगाड़ नहीं मिला, एक काम कर रहे हैं ना हम लोग बस टर्मिनल में वापस जा रहे हैं, और एक ना टुक टुक मिल गया था खड़ा हुआ, तो टुक टुक ले लिया हमने। ये 30-30 बात लेते हैं अगर आप यहाँ पे कहीं भी आपको जाना है। हमने दोबारा से ना बस स्टेशन में पहुँच के यहाँ से हम बैंकॉक की बस कर लेते हैं, या फुकेट की हमें कोई डायरेक्ट बस मिल जाए तो वहाँ निकल जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट बस शायद मिलेगी क्योंकि यहाँ से जो फुकेट है ना लगभग 1500 किलोमीटर भाई, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि आज की रात बैंकॉक जाए, तो हमारा जो ट्रैवल है ना रात में सो जाएंगे बस में निकल जाएगा, कल रात को फिर हम लोग फुकेट के निकल जाएंगे बैंकॉक से। एक्सक्यूज मी, इज देयर एनी बस फॉर बैंकॉक आफ्टर 7:45? 8:20 लास्ट बस। इंडियन खाना तो हमें कहीं नहीं मिला, बहुत देर से हम लोग इंडियन खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना चेंग माई में इंडियन लोग इतने नहीं आते। जिस जगह हम गए थे ना जिस गांव में, उस गांव में मैं काफ़ी व्लॉग ढूंढ रहा था भाई कि किसी इंडियन का व्लॉग मिल जाए, लेकिन किसी इंडियन का व्लॉग नहीं मिला, सारे फॉरनर्स वहाँ पे गए हुए। तो लेकिन अब तुम्हारे भाई का व्लॉग वहाँ पे होगा, तो कोई इंडियन जाएगा ना तो उसको इजी रहेगा कि भाई कैसे जाना है, कैसे जाना है, और कैसी वो जगह दिखती है हिंदी में आपको समझ में आ जाए। लेकिन फूड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ना फ्राइड राइस हम लोग खा रहे हैं और ये 50 बात का मिला है। यहाँ पे भाई साहब ये लोग ना हर चीज़ में पर्क डालते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्क सस्ता होता है ना। हम लोग 7-Eleven में आए हैं तो यहाँ पे ना बर्गर वगैरह मिल जाते हैं, बर्गर हो गया, पेस्ट्रीज और पास्ता वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ से एक एक बर्गर उठा लेते हैं। यहाँ पे ना फिश बर्गर मिलता है बड़ा अच्छा, 38 baht का। एक सी वाला लेते हैं, फिश बर्गर, ओ भाई बर्गर, और एक लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई साहब इन्होंने एक अंडा किस तरीके से पैक करके रखा हुआ है, और एक अंडा ये कितने का है, 11 baht का, 22.5-27 rupees का एक अंडा है। हमने ना लास्ट टाइम इनको अंडे समझ के ले लिए, लेकिन भाई ये अंडा नहीं था, पता नहीं कुछ अलग ही चीज थी। यहाँ पे भाई बर्गर ना काफी अलग अलग तरीके के बर्गर होते हैं, मतलब हम तो चिकन खा सकते हैं, वेज तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी वेज बर्गर नहीं है, पॉर्क है, चिकन है और फिश है। तो हमने एक दो फिश के ले लिए, एक हमने ले लिया चिकन वाला। हमने ना 7-Eleven से 3 burger ले लिए, और इन्होंने ना बर्गर हमें गर्म करके दे दिए। इनके ना ओवन लगे रहते हैं यहाँ पे, जैसे आप कोई ऐसी चीज लेके जाओगे नहीं खुद ही पूछ लेते हैं कि भाई वार्म करना है कि नहीं करना है। तो हमने बोला भाई वार्म करके दे दो, ऐसा ठंडा थोड़ी खाएंगे हम लोग। जब यहाँ पे ना अलग अलग सिटीज के लिए ना अलग अलग ऐसे काउंटर बने रहते हैं, और काउंटर के पास में ना ऐसे लिखा भी रहता है कि भाई अगली बस के लिए आपको कब तक आना है, तो अगली जो बस है ना 8:20 पे, उसके लिए 8 बजे तक भाई ये टिकट बुक करेंगे। और हमने टिकट ले लिए, और ये ना ऐसे दिखा देते हैं सीट कि आपको कौन सी वाली सीट चाहिए, तो उन्होंने हमको दिखाया कि भाई ड्राइवर के पीछे वाली 2 seat खा ली है, तो हमने वो 2 ले लिए। हमारी जो टिकट है भाई बैंकॉक की वो 594 की, मतलब 600 rupees की, 1500 rupees इंडियन के हिसाब से। बैंकॉक यहाँ से लगभग 800 kilometers है। ये हमारी बस है, और ये मोहतरमा जिन्होंने हमारी टिकट काटी ना, ये हमको छोड़ने आई हमारे साथ में। ओके थैंक यू, टिकट। तो भाई ये अपनी बस है, डबल स्टोरी। अब यार बैग यहाँ नहीं रखेंगे, बैग स्टेशन बैंकॉक। ओके ये अपनी सीट देखो भाई साहब कहाँ है, मुझे ऐसा लगा था कि ड्राइवर के हम पीछे होंगे, लेकिन हम ड्राइवर के ऊपर बैठे हुए हैं, ड्राइवर की जो सीट है ना बिल्कुल नीचे है, और हम बिल्कुल भाई साहब ऐसे देखो सामने शीशा है और यहाँ हम बैठे हुए हैं। ड्राइवर ने ब्रेक मारी ना कहीं हम बाहर ना निकल जाए। तो भाई अपना ड्राइवर ना अभी तक तो बाहर खड़ा था, अब बैठ गया अंदर, जस्ट हमारे नीचे ड्राइवर है। और देखो बस चलने लगी, और चलने से पहले उन्होंने एक पानी की बोतल भी दे दी, और थोड़ी देर में ना सैंडविच वगैरह या स्नैक्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत खाने का भी देते हैं। हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं, 4-5 hours के बाद ना हमारी बस कहीं पे रुक गई है, कहाँ पे रुकी है मुझे नहीं पता। रोहित ने तो अपनी टिकट पे एग और ये चावल और ये मिक्स सब्जी ले लिया, मैं देखता हूँ क्या मिलता है। 2 sabji ले सकते हैं, ये अलग अलग चीज है। ये हरी वाली सब्जी, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मैंने ये वाली सब्जी ली थी तो इसका टेस्ट सही लगा था, तो मैंने दोबारा ये वाली सब्जी ले ली है। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के ना 6 बज चुके हैं, हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं। देखो इन्होंने रात में कुछ ये खाने को दिया था, लेकिन हमने कुछ इनफ चीजें ले ली थी खाने के लिए। हमने 3 burger ले लिए थे, फ्राइड राइस भी खाया था, अपना काम उससे हो गया था तो हमने इसको खाया नहीं। इस तरह का दिखता भाई सुबह के 6 बजे बैंकॉक। भाई हमारी ये सीट देखो, बिल्कुल सबसे आगे हम बैठे हुए इस तरीके से, ऐसा कुछ व्यू था भाई अपना। इस तरफ भी विंडो है, सामने भी ऐसा भाई शीशा लगा हुआ है, मतलब आधे रास्ते तो ये डर लग रहा था कि कहीं एकदम से स्पीड में गाड़ी चली उसने ब्रेक मार दी तो हम शीशा पार करके बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो बस का ड्राइवर है ना, कहीं पे भी ना बस उसने इस तरीके से नहीं चलाई कि किसी को ओवरटेक किया हो यहाँ पे कहीं पे हमें डर लगा हो। मेरे को ऐसा लग रहा है 50-60 से तो ऊपर बस चली नहीं भाई पूरी रात में। एक बार बैंकॉक का सबसे बड़ा बस स्टेशन है भाई,
भाई ये बस थी अपनी, इस बस से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, काफी मजा आया। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई। ऐसे कुछ बस स्टेशन होते हैं भाई थाईलैंड में, तो हमारा जो सबसे बड़ा बस स्टेशन है वो शायद आनंद विहार का है ना, और बैंकॉक का सबसे बड़ा बस स्टेशन ये है मेरे हिसाब से, तो थाईलैंड का सबसे बड़ा बस स्टेशन यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो सिटी है ना भाई थाईलैंड की वो बैंकॉक की है। सबसे ज्यादा जहाँ लोग रहते हैं, सबसे डेंस जो सिटी है बैंकॉक की है भाई थाईलैंड की, मेरे हिसाब से यही बस स्टेशन है जो भाई थाईलैंड का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। अपना कौन सा यार इंडिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? आनंद विहार है क्या? आनंद विहार में बस आपको ऐसी मैडम ही नहीं मिलेंगी, बस की कंडक्टर जो होती है ना वो लेडी होती है, और ड्राइवर भी कई सारी लेडीज होती हैं, और यहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ है ना मेरे हिसाब से 30-40% स्टाफ लेडी होता है। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना सिटी में जाना, जैसे मैं बैंकॉक पे, तो यहाँ से उसकी बस मिल जाएगी। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई है जैसे हमारी इंडिया में लगी रहती है। इस टाइम ना मैं बैंकॉक के सबसे बड़े बस टर्मिनल में हूँ, और यहाँ से मेरे को वैसे खाओसान जाना है। खाओसान में लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोग रुके थे ना उसी हॉस्टल में जाएंगे हम लोग ना। खाओसान पहुँच चुके हैं, हमारा जो हॉस्टल है ना उसके रास्ते पे ना ये ऐसी मार्केट लगती है फुटपाथ के बिल्कुल बगल में, और यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है। रास्ते में ना यहाँ पे एक मंदिर पड़ा है, पहला मतलब वैसे अभी छोटी छोटी ना बीच बीच में काफी सारी मूर्तियां तो हमने देखी थी गणेश जी की, लेकिन भाई पहली बार ना इतना बड़ा सा यहाँ पे मंदिर पड़ा है गणेश जी का। तो अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, जूते उतार देते हैं। वैसे तो यहाँ से लोग जूते लेके जा रहे हैं। क्या खूबसूरत है, क्या बड़ा सा मंदिर यहाँ पे गणेश जी का, और यहाँ पे चूहे भी है भाई ये कुछ बोल रहे हैं, ओए ओए, दिल खुश हो जाता है ऐसे ना जब किसी दूसरी कंट्री में ना अपनी इतने बढ़िया 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 मंदिर, इतने सुंदर मंदिर यार। मतलब यहाँ पे मतलब गणेश जी की मूर्ति ना ऐसी होती है मतलब गोल्डन गोल्डन, इतने मतलब खूबसूरत तरीके से सजा के रखा होगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। तो भाई अगर आप आओगे ना इंदिरा बाजार की तरफ तो गणेश गणपति बप्पा के दर्शन करते हुए जाना, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पे कुछ थाई लोग भी आते हैं और यहाँ पे थाई की पूजा करते हैं। हेलो नमस्ते, आर यू थाई इंडियन? इस तरीके से ना सारे मंदिरों के बाहर आपका से दिया लगा हुआ मिल जाएगा, और इस तरीके से पूजा की जाती है। भाई साहब देख रहे हो थाई लोग भी भाई साहब थाईलैंड में ना हमारे गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। भाई इतना सुंदर नज़ारा है ना, जितना दिल मेरे को ना गणेश जी को देख के खुश हुआ उतना इनको देख के भी खुश हुआ कि भाई गणेश जी की पूजा ऐसे थाईलैंड में ना थाई लोग भी करते हैं भाई। तो चलो भाई आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। जय राम जी की।